आज के वीडियो में हम आपके चैप्टर 6 के कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला कीवर्ड क्या है। चेंजेस, व्हाट इज चेंजेस? मेकिंग डिफरेंस इन द ओरिजिनल थ्रू एनी एक्ट इज कॉल्ड चेंजेस। आपकी कोई भी ओरिजिनल चीज है, उसमें कोई भी डिफरेंस आप कर दें किसी भी तरीके से, किसी भी एक्ट से, तो जो डिफरेंस कर देंगे उसके बाद जो भी चीज़ कहलाएगी वो क्या होगा, उसमें चेंजेस हो गए। ओरिजिनल चीज़ से आपने उसको डिफर कर दिया, थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, चेंजेस कहलाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? श्रिंकिंग ऑफ मटेरियल ड्यू टू लोवरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। चैप्टर रीडिंग में हमने पढ़ा भी था कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन मतलब फैलना और उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना। किसी भी मटेरियल का को, जब आप मेटल्स को खासकर जब आप उनका टेम्परेचर डाउन करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन की ये हमारी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या है, इवेपरेशन। इवेपरेशन की वर्ड हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, लास्ट चैप्टर में। इवेपरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न इनटू वेपर और गैसियस फॉर्म। जब हम लिक्विड को हीट करके उसको वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपरेशन। नेक्स्ट, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, व्हाट इज एक्सपेंशन? इंक्रीज ऑफ साइज और वॉल्यूम इन मटेरियल्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्सपेंशन। जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएं और उसकी वजह से उसका साइज या उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, उसका जो आकार है वो बढ़ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट, मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? चेंजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब किसी मटेरियल को हम हीट करते हैं या किसी और तरीके से जो है उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसे जब आइस हम उसको फ्रीजर से निकालते हैं बाहर और वो हीट होने की वजह से वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? आप किसी ऐसे एरिया से निकल रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, आप अपनी ड्रेस जो भी आपने पहन रखी है, चाहे आपका वो पैंट हो या कुछ भी हो, उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ऊपर, जिससे कि वो भीगे ना। तो जो ये फोल्ड किया आपने, अपने ड्रेस का साइज चेंज किया, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? ऑफकोर्स क्यों नहीं कर सकते हैं? यस, दिस चेंज कैन बी इजिली रिवर्स। आप उसको अनफोल्ड कर दीजिए, आपकी जो भी पैंट या ड्रेस थी उसको अनफोल्ड कर दीजिए, वो वापस अपने साइज की हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? आपका कोई फेवरेट टॉय है, वो गलती से आपसे गिर गया और टूट गया। अब ये चेंज आप चाहते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हो गया, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर पाएंगे? नो, आपका एक बार जो टॉय टूट गया उसको आप जो है वापस से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोले मैं उसको फेविक्विक से उसको चिपका दूंगा, ये कर दूंगा, तो आप लेकिन बट आपका जो ओरिजिनल टॉय था वो आपको नहीं मिला ना, तो आप उस एक चेंज को आप वापस से रिवर्स नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट। कुछ चेंजेस देखिए दिए हुए हैं इसमें, और हमको देखना है कि कौन से चेंज इसमें रिवर्स हो सकते हैं, कौन से रिवर्स नहीं हो सकते हैं। पहला क्या है, द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। जब किसी लकड़ी के पीस को हम सॉ करते हैं या काट करके टुकड़े करते हैं उसके, तो उसको उस चेंज को हम रिवर्स कर पाएंगे? नो, दिस कैन नॉट बी रिवर्स। ओके, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, कोई आइस कैंडी है मेल्ट हो गई, उसको वापस से जो है आइस कैंडी बना लेंगे? यस, उसको डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, दैट कैन बी चेंज। डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर,
शुगर को आपने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, इसको आप जो है रिवर्स कर सकते हैं। यस, आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंसे इवेपरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू आप उसको वापस से शुगर और सॉल्ट, शुगर और वाटर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, आपने फूड को कुक कर दिया, वापस से आप उसको जो है अनकुक्ड कर सकते हैं? नो, दिस कैन नॉट बी चेंज, दिस कैन नॉट बी रिवर्स। द रिपिंग ऑफ ए मैंगो, मैंगो जो एक पक गया है, क्या आप वापस से उसको जो है रॉ मैंगो कर सकते हैं? नो, दिस कैन नॉट बी रिवर्स। सॉरिंग ऑफ मिल्क, कोई आपका मिल्क है वो खराब हो गया, खट्टा हो गया, उसको आप वापस से जो है फ्रेश कर सकते हैं? नो, दिस आल्सो कैन नॉट बी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ड्राइंग सीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? एक ड्राइंग सीट है, आपने उस पर कोई पिक्चर ड्रॉ की, अब आप उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं, उसको ड्राइंग शीट को एज इट इज बना सकते हैं? आंसर देखते हैं क्या है, इफ द पिक्चर ड्रॉन ऑन शीट कैन बी इरेज्ड देन द चेंज इज रिवर्सिबल अदरवाइज नॉट। मीन्स आपने कोई सी ऐसी चीज से उस पर पिक्चर ड्रॉ की है जिसको आप इरेज कर सकते हैं, सपोज किसी पेंसिल से ड्रॉ किया है, इरेजर से आपने इरेज कर दिया, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट आपने कोई ऑयल पेंट से या कलर से उसको ड्रॉ किया और आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ एग्जाम्पल दे करके हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं उसके लिए। पहला क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इंटू वाटर कैन बी रिवर्स इंटू आइस अगेन बाई फ्रीजिंग इट। ये चेंज जो है, जो मेल्टिंग ऑफ आइस का चेंज है, मेल्ट होने की वजह से वाटर बन गया, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, इसको वापस से फ्रीज करेंगे और आइस बना सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इंटू वाटर कैन बी रिवर्स बाई इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर आपने सॉल्ट में, वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दिया है, इसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से आप उसको सेपरेट करके वापस से सॉल्ट और वाटर जो है अपने पा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विच कैन नॉट बी रिवर्स। पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड कैन नॉट बी रिवर्स, मिल्क को कर्ड में जो आपने कन्वर्ट किया उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर कैन नॉट बी रिवर्स, जो अगर आपने किसी पेपर को बर्न कर दिया, वो ऐश बन गया, उसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स। क्या क्वेश्चन है, इसको पहले समझिए। होता क्या है, जब किसी की बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, एक आर्थोपेडिक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है आपके प्लास्टर चढ़ा देता है। प्लास्टर कैसे चढ़ाते हैं, एक बैंडेज बांधता है और उसके ऊपर में प्लास्टर, उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक मटेरियल होता है, उसको वो जो है सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बट क्या होता है उसमें वाटर मिक्स रहता है, तो एक क्ले टाइप का वो होता है, उसको ऊपर से अप्लाई कर देता है बैंडेज के ऊपर। फिर जब वो सूख जाता है तो वो एकदम हार्ड हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्यों, क्योंकि आपकी बोन फ्रैक्चर हो चुकी है और वो मूव ना करे, एक जगह स्टिल रहे, इसलिए वो इस तरीके का पीओपी लगा देता है। जब वो सूख के पीओपी हार्ड हो जाती है तब आपकी बोन मूव नहीं करती है, और इस तरीके से आप 20-30 डेज या 40 डेज जितने बाद दिन बाद भी आपकी बोन जो है वो हील हो जाती है। तो ये जो पीओपी वो चढ़ाता है और पीओपी जो हार्ड हो जाती है, क्या इस पीओपी को वापस रिवर्स कर सकते हैं? वो जैसे क्ले फॉर्म में था, थोड़ा सा सॉलिड था बट उसमें वाटर मिक्स था, क्ले फॉर्म में था, क्या उसको वापस से उस फॉर्म में आप पा सकते हैं सूखने के बाद पीओपी के? वो नहीं हो सकता, एक बार जब पीओपी हार्ड हो गई तो उसको वापस से आप क्ले फॉर्म में नहीं पा सकते। नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट,
द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स. आपके यहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ हो या आपके घर में मान लीजिए सीमेंट का एक जो है वो रहा हो क्या कहते हैं बैग और बाहर छूट गया नाइट में और रात में क्या हुआ बारिश हुई उसकी वजह से सीमेंट का बैग भीग गया अंदर आपकी सीमेंट भी गीली हो गई. दिन में क्या हुआ वापस से सन की लाइट में वो सीमेंट ड्राई हो गई. तो क्या आपको लगता है जो रात में आपकी सीमेंट थी भीगने से पहले और भीगने के बाद जब वो सुबह सनलाइट में सूखी तो उसका चेंज जो हुआ वो सब रिवर्स हो गया वापस से आपकी जैसी सीमेंट थी वैसी मिल गई? नो द चेंज